नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में। चलिए आज का डेटा एनालिसिस शुरू करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्या क्या पोजीशन बनाई है क्लाइंट ने, एफआईज ने, प्रोज ने, डीआईज ने। तो जो लोग नए हैं, सबसे पहले मैं उनको कह दूं भैया डेटा एनालिसिस आप देखिए, ऐसा डेटा एनालिसिस, डेटा रीडिंग और उसको प्ले कैसे करना है लास्ट में चार्ट पे मैं वो बताता हूं, लेवल्स आपको देता हूं, क्योंकि रीडिंग अलग है, प्लेइंग इसको खेलना बिल्कुल अलग है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ को बताता हूँ वो कोई और चैनल दूसरा आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि सबको आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान बहुत कम लोगों को है। ये है क्लाइंट का आज का, ठीक, दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस है, ठीक है। देखिए स्टॉक फ्यूचर इतने बाय कर लिए, कितने 31,577 कॉन्ट्रैक्ट, किसने, क्लाइंट ने। अब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी जो स्टॉक फ्यूचर की क्लाइंट की आने वाली है। देन इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने घटा दिए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने घटाए क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी लॉन्ग में चल रहे थे और इतनी प्रॉफिट सडन बुकिंग नहीं आती है, ये साला गोल मोल करके देते हैं, ठीक है। आ जाइए इंडेक्स कॉल आज बाई करिए। अब ये देखो क्लाइंट अगर इंडेक्स कॉल बाई कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स कॉल, या फिर ये बाई नहीं है, ये फिर क्या कहते हैं, जो उन्होंने राइट की हुई है कॉल उनको न्यूट्रलाइज किया है, मतलब क्या कहते हैं, कॉल राइटिंग को हटाया है, उसको बुक किया होगा, ठीक है, वो होगा, हम नेट बेसिस पे देखेंगे आज कार्रवाई क्या हुई है। देन पुट इन्होंने बाई की है, जो कि पहले पुट लगातार राइटिंग में करते जा रहे थे। तो बेयरिश टाइप डेटा है, स्टॉक फ्यूचर को छोड़े तो क्लाइंट का पूरा बेयरिश टाइप डेटा है। स्टॉक फ्यूचर अपना एफआईज ने निकाले, ठीक है, मान लिया। इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ऐड किए गए, 30,000 क्वांटिटी, मतलब जो इन्होंने यहाँ निकाली है, एक तो इंडेक्स फ्यूचर की वो यहाँ पे बाइंग की है इन्होंने, ठीक है। इंडेक्स कॉल ये और भी बड़ा डेटा है, ठीक है, ये और भी बड़ा डेटा है, 38,000 कॉल बाई करना। तो मतलब जो मे का जो लास्ट ये जो बचे हुए 5-6 ट्रेडिंग, 6-7 बचे होंगे कितने भी हैं, तेजी का अनुमान लगा रहे हैं अपने एफआईज पूरा, ठीक है। इंडेक्स पुट भी इन्होंने बाई करी है, बट पुट ये कौन से मंथ की बाई करके बैठे हैं भैया, बहुत पहले से बाई करके बैठे हैं, निकालते भी रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। प्रोज आ जाइए, प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर अच्छे खासे निकाले, इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बाई किया है जो इनको तेजी लग रही है, कॉल राइट करके चले गए 85,000, बहुत बड़ी क्वांटिटी है गाइस, ठीक है। इंडेक्स पुट भी राइट करी है, थोड़ा इनको लग रहा होगा कॉल इन्होंने राइटिंग है 15,300-15,400 के लगभग की, इसके आसपास की होगी, इसी एक्सपायरी की होगी, ठीक है। डीआईएस का डेटा में इतना कुछ देखने लायक है नहीं कि उसका कुछ जोड़ तोड़ के किया जाए। बाकी चलो अपना नेट बेसिस पे आते हैं गाइस, नेट बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये 69 था, काफ़ी ऊपर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, बट ऑल ऑफ सडन इतना डेटा घटा देना थोड़ा समझ से परे है, ठीक है। देन ये -9 थे, इन्होंने इतनी बाइंग करी आज +19 हो गए, विच इंडिकेट्स वेरी पॉजिटिव फॉर मार्केट, ठीक है, फॉर द अपकमिंग 2 or 3 days, यू कैन से 1 or 2 days, ठीक है। 19,000 कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा है और राइटिंग में है अपने प्रोज, बट प्रोज ने भी -24 से 9 कर लिया, इनको भी तेजी दिख रही है। तो इन्होंने क्लोज किए शॉर्ट -9 और ऐड किए 5,000 कुछ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कॉल की तरफ, कॉल की तरफ -144 थे, मार्केट तो बढ़ा दिया इनके निकाले, बट अभी भी पूरे निकले नहीं है, अभी भी स्टिल 98,000 कॉन्ट्रैक्ट, 99 लगा लो, 926 ही थे, आर देयर ऑफ क्लाइंट इतने, वहीं और बाप रे बाप 115 से 121 वो 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एफआई को दिख रही है भैया ये इस कॉल की बाइंग को देख के भैया ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है मार्केट, ठीक है। इस कॉल की बाइंग को देख के डेटा जो कह रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है मार्केट, मैं यहीं पे आपको बता सकता हूँ, बट प्ले कैसे करना है बने रहिए गाइज उसके लिए, ठीक है, बने रहिए, अंधाधुंध मैं नहीं बताता हूँ कुछ भी, डेटा जो कह रहा है वो बता रहा हूँ, डेटा बहुत तेज है यहाँ, इसको भी देख के और इसको भी देख के। अब आ जाते हैं हम नीचे, ठीक है। क्लाइंट ने पुट राइटिंग अपनी घटा दी है, जो वो बाइंग दिख रही थी वो 20,000 न्यूट्रलाइज किए, भाई प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा बुक करते हैं, तो 168 रह गई है, और वहीं पर इन्होंने बढ़ा दी है अपना क्या कहते हैं ये जो है अपने प्रोज, तो -100, -60, -1,60,000 के लगभग 1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पुट की राइटिंग में हैं,
तो ये बहुत बड़ा डेटा है, 1,68,000 पुट राइटिंग बहुत बड़ा डेटा है, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। इधर इन दोनों को मिलाए तो 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके कॉल की राइटिंग में, तो कॉल की राइटिंग होगी -1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट और पुट की राइटिंग होगी -1,68,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दो डेटा अपने दिमाग में रखिए। आप लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है मेजरली वो तेजी की तरफ हुई है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने बाई किए हैं 121 से सीधा 160 पहुँचाया है, ये बहुत बुलिशनेस दिखा रहा है और ये इंडेक्स फ्यूचर में जो बाइंग आ रही है। देन नीचे की तरफ आए, सॉरी गाइस थोड़ा मैं और मैग्नीफाई करता हूँ, ये हो गया गलती से। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर की तरफ आ जाइए, ये देखिए जो क्लाइंट 9-10 हज़ार पे नहीं बाई कर रहा था वो आज की डेट में 7,66,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई करके बैठा है स्टॉक फ्यूचर के। वहीं पे FIs 180 के लगभग है और DIs तो भैया है ही शुरू से ये शॉर्ट करके बैठे ये वाला। ठीक है, तो अब कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं गाइस। आप अपने दिमाग में यहाँ पे जो डेटा आपको दिमाग में रखना है वो रखना है, एक FI सडनली बुलिश हुए और अपना क्लाइंट 69 से सीधा 27 आ गया, ये थोड़ा बेरिश हुए, उन्होंने अपने जो लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर के वो घटाए हैं, लॉन्ग द लश्कारा हो गया इनका, अपना इन्होंने साथ में रख लिया। नीचे अब ऐड करें प्रोज की राइटिंग और क्या कहते हैं अपना क्लाइंट की राइटिंग, तो -1,60,000 टोटली जो अपोजिट बाइंग है FIs की। यहाँ पे पुट की राइटिंग -1,68,000 बैठ रही है एंड जो टोटली बाइंग है अपनी क्या कहते हैं DI और FI दोनों मिला के। ये इसमें जो -100 ये 60,000 कॉन्ट्रैक्ट सीधा ये मेनली आपको इसी वीक की मिलेगी, ये अगले वीक की नहीं है। ठीक है, तो ये दो दिन में अगर मार्केट हल्का फुल्का गिरता भी है तो वो सिर्फ इसी के लिए गिरेगा, ये जो यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है और 1,60,000 के लगभग दिख रही है। ठीक है, ये दो डेटा आप अपने दिमाग में रखिए। अब आ जाइए चार्ट पे, ये है आपका चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन मैंने यहाँ से खींची है ये लाइन भी आपको अब तक कहीं किसी यूट्यूबर ने अब तक दिखाई भी नहीं होगी। ठीक है, और इसी का मार्केट ने अब तक यहाँ पे देखो ये तो आज इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करिए, कल देखते हैं क्या होगा। तो दिमाग में जो आपको रखना है कि भैया 15,044 के नीचे अगर मार्केट जाता है, कितना 15,044 के नीचे जाता है मार्केट, तो आपको फिर ये डेटा दिमाग में रखना है जो कि है आपका पुट राइटिंग का। ये ताजी जो पुट राइटिंग करके गए हैं प्रोज, फिर ये वो तबाह होने जाएंगी, लगभग ये 60,000 से 70,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो दो दिन में ऐड किए हैं ये आसपास की पुट राइटिंग के होंगे, 14,900, 14,800, even 15,000 भी हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे पुट राइटिंग करके गए हैं अपने प्रोज, फिर मतलब 15,044 के नीचे गया मार्केट तो फिर वो इसको खाने जाएंगे, और 15,150, 175 को पार करके और ऊपर चलता है फिर तो जो यहाँ पे कॉल राइटिंग अभी बची हुई है हमारे मुर्गों की, ठीक है -98 ये अभी भी -98 बची है, फिर भैया वो जाने वाली है 15,150, 15,175 वो गई फिर। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, जो मेरे को लगता है कि मार्केट कल हल्का सा करेक्ट कर सकता है हल्का सा, और टाइम रहेगा वो 2:15-2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2:15 तक, 2:30 बजे के बाद मार्केट में फिर तेजी हो जानी चाहिए और मार्केट में परसों भी फिर तेजी रहनी चाहिए, ये मेरा व्यू है। कल हल्का सा नीचे की तरफ रह सकता है, फिर 2:30 बजे के बाद मार्केट तेज हो जाना चाहिए, ज़्यादा मार्केट में गिरावट मेरे को नहीं दिख रही है, हो सकता है 15,960 मैक्सिमम, इससे नीचे मार्केट मेरे को नहीं आता हुआ दिख रहा, ये गैप ही फिल हो सकता है कल, हो सकता है और कल ये गैप फिल हो गया फिर आगे गैप भी फिल होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। ठीक है गाइस, ये मेरा व्यू है, बाकी देखते हैं, कोशिशली प्ले कीजिए, डेटा जो मैंने बोला उसको दिमाग में कैसे रखना है, प्ले कैसे करना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, अगर आपको बेनिफिट है तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे भी मोटिवेट करने के लिए वीडियोज़ को शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।